हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सेट नंबर 9 की, बात करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 201। आठ सेट के अंदर अपन 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके और अपना टारगेट है 1000 प्लस क्वेश्चंस को कवर करना एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तो देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। आपको बताना कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अगर अपन बात करें हार्डवेयर, वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको अपन आंखों से देख सकते हैं या हाथ से छू के टच करके देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होता है जिनको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। सॉफ्टवेयर कह सकते अपन, सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन क्या कहेंगे अपन, कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का जो समूह होता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो दिए गए ऑप्शन में से देखिएगा, विंडो, मॉनिटर, ये अपना हो गया सीपीयू, ये कीबोर्ड। तो इन सभी को, तीनों को अपन देख के या हाथों से टच करके छू सकते हैं, यानी ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हो गए, हार्डवेयर के। और ये विंडो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, ए विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू किससे मिलकर बना हुआ होता है। अपन अगर बात करें कंप्यूटर के सेट के, ये अपना सीपीयू होता है, इसमें अगर इनपुट दिया जाता है तो बाहर क्या निकल के आता है, आउटपुट। अब ये सीपीयू की बात करें तो किससे मिलकर बना होता है, तो इसको अपन कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट से होता है, एएलयू से होता है, और जो मेमोरी यूनिट होती है मेमोरी से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं अपना, ये जो मेमोरी होता है मेमोरी किससे मिलकर बना होता है, रजिस्टर से। इसके अंदर अलग अलग रजिस्टर होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गए, प्रोग्राम काउंटर हो गए, इस तरीके से अलग अलग इसके अंदर रजिस्टर होते हैं। तो एएलयू, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, एएलयू से भी होता है, रजिस्टर से भी होता है, कंट्रोल यूनिट से भी होता है। तो यहाँ से अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जितनी भी 5-6 जनरेशन है सभी के सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जनरेशन किस ईयर के अंदर लॉन्च हुई थी और कौन सी जनरेशन है वो किससे संबंधित थी, उसके अंदर क्या था। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब थी, ट्रांजिस्टर था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, या कुछ और थे। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया गया था, पंच कार्ड का, मैग्नेटिक कोर का, वैक्यूम ट्यूब का, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप देखोगे मैग्नेटिक कार्ड का या मैग्नेटिक कोर का यूज नहीं किया गया था फर्स्ट पीढ़ी के, यानी फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड इनका यूज किया गया था, तो मैग्नेटिक कोर है इसका यूज नहीं किया गया था। तो बाकी अगर अपन देखें फर्स्ट जनरेशन का, तो आपको ये ड्यूरेशन ध्यान में रखना है, 1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 वैक्यूम ट्यूब, और किसने कंप्यूटर का सबसे पहले दिया था, चार्ल्स बेबेज नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन देखिएगा 56 से 63, और ये किसके ऊपर आधारित है, ट्रांजिस्टर। तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे थर्ड जनरेशन की, तो इसका ड्यूरेशन था 64 से 71, और ये था इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी के ऊपर आधारित, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ। चौथी जनरेशन की अगर अपन बात करें, तो इसका ड्यूरेशन था 72 से लेकर 2010 तक, और ये था माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आधारित। पांचवी जनरेशन की बात करें, तो ये 2010 में आया था, और ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बोल सकते हैं, या अपन जिसको बोले तो रोबोटिक्स बोल सकते हैं। तो पांचों जनरेशन के आपको नाम ध्यान में रखने हैं, किसके ऊपर आधारित था वो ध्यान में रखना है, किस ईयर से किस ईयर तक चला वो पीरियड आपको ध्यान में रखना है, और चार्ल्स बेबेज जिसने कंप्यूटर का जनक माना जाता है, चार्ल्स बेबेज। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब को। तो हमें पता है कि वैक्यूम ट्यूब है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आया था, और ट्रांजिस्टर दूसरे जनरेशन के अंदर आया था। तो ट्रांजिस्टर इसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था, यानी फर्स्ट जनरेशन को रिप्लेस किया था। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था। ट्रांजिस्टर किस में आया था, ट्रांजिस्टर आया था सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 ट्रिलियन ऑफ ए सेकेंड इज, एक सेकंड का 1 ट्रिलियन क्या कहलाता है। तो 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 को अपन बोलते हैं 1 ट्रिलियन, ठीक है। अब ये पूछ रहा कि एक सेकंड का, इसका मतलब 1/10^12 क्या कहलाएगा, एक का 10^12 हिस्सा क्या कहलाएगा, इसको अपन बोलेंगे 10^-12 बोल देंगे, और 10^-12 क्या कहलाएगा, पिक्को। तो अपना पास आंसर हो जाएगा पिक्को सेकंड, ठीक है। तो पूरे आपको ध्यान में रखना है, मिली में -3 आता है, माइक्रो में -6 होता है, नैनो में -9 होता है, पिक्को में -12 होता है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, प्रशासनिक खंड या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है, वो क्या होता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, या सीपीयू।
तो इसको अपन कहते हैं सीपीयू। सीपीयू अपने पास करेक्ट आंसर निकल के आएगा। सीपीयू का जो कॉम्बिनेशन होता है, सीपीयू का ध्यान में होना चाहिए क्या क्या होता है। उसके अंदर मेमोरी भी होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है, और साथ ही साथ में उसके अंदर एएलयू भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आईसीए। क्लासिफाइड किया गया किसके ऊपर आधारित था, तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, मैन्युफैक्चर कंपनी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पास अपने पास आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये आईसी कौन सी जनरेशन में आई थी, आईसी आई थी थर्ड जनरेशन के अंदर। पहले में आया था वैक्यूम, दूसरे में आया था ट्रांजिस्टर, तीसरे में आ गया था आईसी, चौथी में आया था माइक्रो प्रोसेसर, और पाँचवीं जनरेशन में आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आईसी का मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से संबंधित है। द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, जो भी हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसका बेस क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, बेस क्या होता है, या तो आपको बेस दो देखने को मिलता है, या बेस आपको आठ देखने को मिलता है, या बेस आपको दस देखने को मिलेगा, या बेस आपको सोलह देखने को मिलेगा। यदि आपको दो देखने को मिलता है, इसका मतलब ये नंबर हो गया बाइनरी। आठ देखने को मिल रहा है, यानी ये इसका मतलब हो गया ऑक्टल। दस का मतलब हो गया डेसिमल, और सोलह का मतलब हो गया हेक्सा। तो यहाँ पे अपने से ये पूछा गया हेक्साडेसिमल, तो अपने पास आंसर क्या निकल गया है, सोलह। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी ध्यान में होना चाहिए कि बाइनरी से अगर अपन ऑक्टल में जा रहे हैं, डेसिमल में जा रहे हैं, और हेक्सा में जा रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनसे उल्टा मतलब इन सभी का कन्वर्जन भी आपको एग्जाम में ज़रूर आप देख के जाइएगा। हो सकता है कंप्यूटर के अंदर एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कन्वर्जन से रिलेटेड भी पूछ लिया जाए। हो सकता है सिंपल सा आपसे कॉम्प्लीमेंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वन या टू कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देखिए ऑप्शन में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है, कैश मेमोरी, रैम, रोम, या नन ऑफ द अबव। नॉन वॉलेटाइल, ध्यान दीजिएगा, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल अपन किसको कहते हैं पता होना चाहिए। वॉलेटाइल का मतलब पावर कट हो गई, तो इसका मतलब उसके अंदर से डाटा डिलीट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अस्थाई। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है पावर कट होने के बाद भी उसके अंदर डाटा बना हुआ रहता है, उसको अपन यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, रोम। रोम को अपन बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को अपन क्या कहते हैं, एज ए हिडन मेमोरी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देती है। ये क्या करता है, फ्रीक्वेंटली यूज आने वाले डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जिससे सीपीयू को जरूरत पड़ती है ये वहाँ से मतलब रैम में जाने के बजाय वो कहाँ से ले लेगा, कैश मेमोरी से ले लेगा। जैसे आपके पास यहाँ पे रैम हो गई, और तो ये सीपीयू है, सीपीयू के बिल्कुल पास में होता है आपकी कैश मेमोरी। इसलिए ये जो भी फ्रिक्वेंटली या ज़्यादातर यूज होने वाला डाटा है वो उसको कैश मेमोरी से ले लेगा, ताकि इसको यहाँ से आने में टाइम नहीं लगेगा, और अपन कह सकते हैं कि ये टाइम की बचत कर लेगा, और इसलिए स्पीड भी ज़्यादा रहेगी, एग्जीक्यूशन स्पीड। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा रोम है, इसको अपन बोलते हैं स्थाई, या अपन कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब है कि पावर कट होने के बाद भी इसके अंदर डाटा बना हुआ रहता है। Which of the following is used to manage the database? Database को मैनेज करने के लिए क्या अपने यूज में लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डी बी एम एस, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आएगा डी बी एम एस। इसको अपन फुल फॉर्म होते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी किस तरीके से डाटा होता है उसका मैनेज किया जाए, यही कहलाता है डी बी एम एस। आंसर हो जाएगा ये, इसके बारे में आप देख सकते हो, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस। कोई भी डाटाबेस है उसको क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए एक डी बी एम एस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे, डी बी एम एस प्रोवाइड्स करती है यूजर और प्रोग्रामर्स को, यूजर यानी यूज करने वाला, प्रोग्रामर यानी जो प्रोग्राम बनाते हैं, विद द सिस्टमिक वे यानी रास्ता टू क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट एंड मैनेज डाटा। तो डी बी एम एस क्या करता है, चाहे यूजर हो प्रोग्रामर हो, उनको एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करती है डाटाबेस है उसको क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, माउस। माउस की सहायता से अपन कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कराते हैं, तो ये इनपुट हो गया। लाइट पेन की सहायता से भी अपन डाटा को इनपुट कराते हैं, कीबोर्ड की सहायता से भी अपन डाटा को इनपुट कराते हैं। वीडियो, वीडियो की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी जो भी अपने को डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करता है यानी अपन मान सकते हैं मॉनिटर हो गया अपने पास। तो ये क्या हो गया, ये एक आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा वीडियो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन गीगाबाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। एक जीबी किसके बराबर होता है, तो एक जीबी ध्यान दीजिएगा अप्रॉक्सीमेट इसमें 1000 आ रहा है, तो अपन 1024 होता है नॉर्मल, उसको अपन 1000 ले लेते हैं। अब सिंपल सी बात करते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं। एक बिट होता है सबसे छोटी, 4 बिट हो गया,
फिर होता है 8 बिट, समझिएगा। 1 बिट हो गया, इसको बोलते अपन बिट, 4 बिट को बोलते अपन निब्बल, 8 बिट को बोलते अपन बाइट, ठीक है। अगर 1000 बाइट, वैसे 1024 होता है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 KB बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बाइट के बाद में क्या होता है, KB, बाइट के बाद में आता है KB, KB के बाद में आता है MB, MB के बाद में आता है GB। अब ध्यान दीजिएगा, KB का मतलब हो गया इसके अंदर 1024 बाइट, 1024 बाइट इसके अंदर मतलब हो गया 1024 KB, और इसका मतलब हो गया 1024 MB। इसका मतलब यही होता है, आप अप्रोक्सीमेट ले लीजिएगा, 1000 1000 कर दीजिएगा, 1024 को 1000 करोगे तो GB का मतलब क्या हो गया, 1024 MB, यानी 1000 MB, MB में 1000 KB, फिर से 1000 KB में फिर से बाइट, यानी 1000। तो इस बार इसमें 3 बार इस तरीके से आएंगे, ठीक है। और KB को बाद में फिर से ओड लोगे आप, तो यहाँ से आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा B, 3 3 3, क्योंकि GB के बाद में MB, MB के बाद में KB। तो इस तरीके से इसका 1000, इसका 1000, इसका 1000 आपको तीनों का लगा देना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, विंडो 98, BSD यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, रेड हैट लिनक्स। तो ध्यान दीजिए, ये जो ऑफिस हो गया, चाहे आपका ऑफिस वर्ड हो गया, चाहे आपका एक्सेल हो गया, चाहे आपका पावर पॉइंट हो गया, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्ट एप्लीकेशन होते हैं, तो इनको अपन ऑपरेटिंग सिस्टम न शामिल करके इसको शामिल करते अपन एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा सी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ, आईसी चिप है कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है, आमतौर पर किससे मिलकर बने होते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है, कौन सी जनरेशन में आया था ये, आईसी आया था थर्ड जनरेशन में यूज किए गए थे आईसीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, अपन काम में लेते हैं अर्चालक, अर्चालक से बनी हुई चिप्स होती है, अर्चालक का मतलब सिलिकॉन से, तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, और अर्चालक कौन कौन से, जर्मेनियम। लेकिन जो लेटेस्ट और छोटे छोटे बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर ग्राफिन यूज में किया जा रहा है, ग्राफिन यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम तो आपने नाम सुना ही होगा, और कंप्यूटर की स्पीड और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उनकी साइज और छोटी करने के लिए आजकल सिलिकॉन जर्मेनियम की बजाय भी ग्राफिन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे अपने पास आंसर आएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच, कंप्यूटर प्रणाली का वह कौन सा भाग है जिसे छुआ जा सकता है, डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा अपने पास, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाई विच कंपनी, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM या सैमसंग। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। कमेंट करके बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, इंडियन है, कमेंट कीजिएगा कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच नेम आर द फाइल्स क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नॉन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल्स को किस नाम से जाना जाता है। अगर वर्ड है तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉक, PDF है इसका एक्सटेंशन होता है PDF, PPT है पावर पॉइंट है तो इसका एक्सटेंशन होता है PPT। तो वर्ड के अंदर बनने वाले फाइल्स, स्प्रेडशीट तो उसको बोलते हैं जो एक्सेल में बनता है, डॉक्यूमेंट, वर्कशीट, डाटाबेस। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स के साथ में, वर्ड होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, इसका एक्सटेंशन होता है डॉक, PDF फाइल होता है जिसको पोर्टेबल अपन यूज करते हैं, और ये हो गया PPT पावर पॉइंट। एक सिंगल क्लिक पर नित्य प्रयोग में आने वाले कमांड्स को दर्शाता है, रिप्रेजेंट्स कमांड्स यूजर यूज रेगुलरली ऑन ए सिंगल क्लिक, बहुत ही सिंगल क्लिक के ऊपर। ऑप्शन देखिएगा, क्विक एसेस टूल बार, स्टेटस बार, फॉर्मेटिक टूल बार या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अपने पास आंसर रहेगा क्विक एसेस बार, यानी बिल्कुल एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप देखोगे तो उसको आप लेते हो क्विक एसेस टूल बार। इमेज से देखिएगा, अच्छा इमेज नहीं आई क्या इसमें, अच्छा क्विक एसेस टूल बार अपन किसको लेते हैं, जिसको अपन बिल्कुल सिंगल एक क्लिक के साथ में ओपन कर सकते हैं, जैसे भी अपने कोई भी हो, जैसे आपको ऊपर किसी भी क्लिक करनी है फाइल के ऊपर, तो इसको अपन कहते हैं क्विक एसेस टूल बार, ये टूल बार होता है, इसके ऊपर कुछ भी हो। इन MS वर्ड द पेज नंबर एंड लाइन नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड द प्रूफ बटन, MS वर्ड में पेज नंबर व लाइन नंबर शब्दों की संख्या प्रूफ बटन को दर्शाता है, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार या ऑल ऑफ द अबव, ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है स्टेटस बार को। जो भी पेज नंबर है और लाइन नंबर है या शब्दों की संख्या प्रूफ बटन है, ये किसको दर्शाते हैं, कहाँ पे दर्शाते हैं, स्टेटस बार। क्विट क्या है, Q80 आपको बताना क्या है, तो इसको बोलते हैं अपन क्विक एसेस टूल बार, क्विक एसेस टूल बार। अब देखिएगा यहाँ पे इमेज आ गई,
ये जो आप देखते हो इसके ऊपर, जैसे अपन यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे अंडू करते हैं, डू अंडू कर देते हैं, ठीक है, ये अपने पास प्रिंट हो गया। इसको अपन अलग से ऊपर, अगर अपना ये जो फाइल है ये होम हो गया, इनसेट हो गया, इसके ऊपर भी अगर इस तरीके से होता है, इनको अपन बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिनके ये आइकॉन्स बने हुए होते हैं, ठीक है। और इस ये जो पूरी लाइन होती है इसको अपन कहते हैं टाइटल बार, और नीचे क्या होता है टास्क बार। डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम के नाम को कौन दर्शाता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपने देखा, ये देखो ये नाम दर्शा रहा है, डॉक्यूमेंट और नाम कहाँ दर्शा रहा है, ऊपर दर्शा रहा है, तो ये ऊपर क्या बना हुआ है, ये टाइटल बना हुआ है, तो ये है टाइटल बार को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा बी, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को कौन दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा यदि इसी के साथ में यदि आइकॉन भी दिया हुआ तो अपन इसको लेंगे टास्क बार, क्योंकि नीचे आ जाता है फिर कोई भी अपन टास्क को ओपन करते हैं ये नीचे आ जाता है, इसको अपन टास्क बार में ले लेते हैं फिर, लेकिन वहाँ पे इनके नाम शो नहीं होते, ओनली आइकॉन अपने को दिखता है। टास्क बार भी अपने को आइकन दिखता है और टाइटल बार होता है वहाँ पे अपने को नाम भी दिखता है। एमएस वर्ड 2010 में मेनू बार को सक्रिय किस शॉर्टकट द्वारा किया जाता है, एमएस वर्ड में मेनू बार है उसको एक्टिव किस शॉर्टकट की के द्वारा किया जाता है, कंट्रोल F7, F2 या F10, एक्टिव किसके द्वारा किया जाता है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा F2 के द्वारा। अपन क्या करते हैं कोई भी फाइल को फोल्डर को अपन रीनेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट कमांड्स विच गेट्स डिलेटेड वर्क्स टू ब्रिंग इट बैक, दैट मीन्स द लास्ट वर्ब इज डिसेबल्ड। जैसे कि आपने कोई भी कंटेंट था फाइल के अंदर उसको आपने डिलीट कर दिया यहाँ से, लेकिन आपको फिर से जाना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, कोई भी काम कर दिया आपने उसको डिलीट कर दिया या आपको वापस अनचेंज करना है तो आप क्या करोगे, तो उसको कहते हैं अपन अनडू। यहाँ पे अपने पास आंसर रहेगा अनडू। और वैसे शॉर्टकट किया क्या होता है अनडू का, कंट्रोल प्लस जेड अपन यूज में लेते हैं अनडू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संशोधित करता है और इस जानकारी में परिवर्तित करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रोसेस करता है डाटा को कन्वर्ट करता है इनटू इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस या स्टाइलस। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा कंप्यूटर है, डाटा को प्रोसेस करेगा, डाटा को प्रोसेस करके अपने को क्या देगा, इन्फॉर्मेशन। लास्ट क्वेश्चन आज का CD होल्ड हाउ मेनी टाइम मिनट्स ऑफ म्यूजिक, CD होता है ध्यान दीजिएगा, CD और DVD, DVD की जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है, इसकी अप्रोक्सीमेट अपन मान सकते हैं 700 MB के लगभग होती है, इससे भी कम होती है, लेकिन इसकी अपन मान सकते हैं 4 GB से भी ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। और इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो इसके अंदर जो टाइम की बात करें यानी ज़्यादा देर तक ये चलेगी, लेकिन अपने से पूछा कि CD का होल्डिंग टाइम कितना है तो वो होता है अप्रोक्सीमेट 700 MB है तो 74 मिनट अपन बोल सकते हैं इसको। तो ये था अपना आज का सेशन, सेट नंबर 9। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।